देखो ना मैम, क्या प्रॉब्लम है, मैंने एक मेंबर को ऐड किया अपने प्लान में, ठीक है। मुझे जी लगा था मैम कि ये चलो ठीक है, इसको मैं जब मेरा मन करेगा मैं रिमूव कर दूंगा। अभी 1 मंथ हो गया, ठीक है। तो अब क्या है मैम, जी उसको मैं रिमूव नहीं कर पा रहा हूँ। वो बोलते कि 90 डेज आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। दो यानी कि 2 महीने का बिल मैं और दूँ, और पे करूँ मैं 2 महीने का बिल, ठीक है। जी सर, मेरी मेरी प्रॉब्लम समझ आ रही है आपको? नहीं समझ आ रही है? मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, बट आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी जो 90 डेज का प्रोसीजर है वो एज पर ट्राई गाइडलाइंस है, ना तो उसे हम चेंज कर सकते हैं, ना तो आप, ना कोई अदर पर्सन, ठीक है जी। तो चेंज करने के लिए आगे रिक्वेस्ट भेजिए ना मैम, चेंज होना चाहिए। नहीं तो मैम पोस्टपेड छोड़ रहा हूँ मैं, यही एक मेरी प्रॉब्लम है। और अच्छी अच्छी जी सर्विस है, मैं बहुत पुराना कस्टमर हूँ एयरटेल का, ठीक है। मेरी प्रॉब्लम ही मैम यही है, नहीं तो मैं बिल बिल मैं नहीं पे करने वाला मैम इस मंथ का, ठीक है। देखिए सर, वो आपका डिसीजन है, बिल्कुल आपको इश्यू है, बट अगर वो हम हमारे एंड से हेल्प हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। अगर होता डेफिनेटली आपकी हेल्प के लिए कॉल किया गया था, अगर वो प्रोसीजर ही पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम कहाँ से कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी क्यों नहीं? आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज नहीं कर सकते हो क्या? वो नहीं कर सकते हैं ना, वो आपके वो अगर ऐसा नहीं, प्रोसीजर हो। एक बात जी बताइए, टर्म्स एंड कंडीशन आपने बनाए हैं अपने लिए बनाए हैं कि यूजर्स के लिए बनाए हैं? हाँ बिल्कुल सर, वो एक पर्सन नहीं चेंज कर सकता ना, वो कंपनी के एंड से है, जो प्रोसीजर है नहीं तो उसके अकॉर्डिंग ही। करनी पड़ेगी ना मैम, नहीं तो बहुत सारे जो यूजर बेस है आपका वो गिर जाएगा। नहीं तो जी गिर जाएगा वो तो, ठीक है, अगर ऐसा ऐसा रहेगा तो। अब देखिए जो जियो है ना, जियो जियो में मैम मैंने देखा पोस्ट पेड में फैमिली मेंबर हम ऐड करते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं इमीडिएटली हम। लेकिन एयरटेल में ऐसा जी नहीं है, करना पड़ेगा ना आपको, तभी तो तो सभी कस्टमर। कंपनी का अलग अलग प्रोसीजर है ना, वो जियो कंपनी है ये एयरटेल। अरे मैम मैं आपको एज एन एग्जाम्पल बता रहा था, ठीक है। तो वैसा करिए ना जैसा और कंपनी कर रही है फॉलो। अब देखिए, सुनो सॉरी, सुनिए सुनिए, हेलो। हाँ जी हाँ जी बताइए प्लीज। सबसे बड़ी बात मैम ये है, सुनिए ना, जैसे जैसे मैंने किसी मेंबर को रिमूव करना होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। जी अब देखिए ना मैम, कितना लंबा प्रोसीजर है इसको रिमूव करने का। अब वो बंदा वो चाहता है कि मेरा जो नंबर है वो दोबारा से इसको आप प्रीपेड करो। क्यों किया पोस्ट पेड भाई, ठीक है, काहे को पोस्ट पेड किया? जो प्री मुझे क्या पता था कि ऐसा करके ऐसा होगा, मुझे लगा कि नेक्स्ट मंथ मैं इसको रिमूव कर दूंगा। लेकिन अब तो मैं प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब रिमूव करने की बात आती है तो वहाँ पर भी प्लान एक्टिवेट होना चाहिए। 90 डेज वेट करना पड़ेगा, यानी कि 2 मंथ का बिल मेरे को और भरना पड़ेगा। ये तो कहीं बहुत बेकार आपको भी लग रहा होगा मैम, कहीं ना कहीं से देखा जाए तो ये बहुत ही ठीक नहीं है। मेरा ये रिक्वेस्ट जी है, जिस तरह से आप मतलब कि एक प्रीपेड नंबर को पोस्ट पेड में लाते हो ना इमीडिएटली जी वाया एन ओटीपी, तो वापस जाने के लिए भी मैम यही होना चाहिए, ओटीपी होना चाहिए और इमीडिएट होना चाहिए एक्शन। ऐसा नहीं कि बिल्कुल, नाइन आपका फीडबैक शेयर कर दिया जाएगा, बट पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि फीडबैक मैम। सर सुन लीजिए प्लीज, हाँ जी हाँ एयरटेल की तरफ से नहीं है। अगर किसी अदर कंपनी का नंबर भी आप यूज करोगे, 90 दिन तक यूज करना रहता है, ठीक अरे मैम है, मुझे नाइन्टी पता है, डेज अरे एयरटेल। जी जियो जियो में ऐसा नहीं है मैम, जियो में यूज किया मैं पोस्ट पेड, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात एक आप, हेलो। जी हाँ जी हाँ जी एक और आपसे सवाल है, जैसे मान लीजिए मैम मैं अपने एयरटेल पोस्ट पेड का बिल ना पे करूं, ठीक है जी ठीक है, तो मेरा नंबर तो बंद हो गया होगा, तो बाकी के जो फैमिली के नंबर है वो भी बंद हो जाएंगे सारे नंबर, बिल्कुल सर, मतलब इनकमिंग आउटगोइंग बंद हो जाएगी सबकी। हाँ जी अच्छा, तो अगर मैं चाहूँ मैम अपना नंबर मैं मतलब पे ही ना करूँ मैं, तो क्या होगा इसका, इसका क्या होगा? नंबर बंद हो जाएगा ना सर, इसके अलावा अगर क्या होगा? परमानेंटली बंद, अगर परमानेंटली बंद हो गया तो दोबारा कभी एक्टिवेट नहीं होगा। अगर आपने पे करके कंटिन्यू करना है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, नहीं, सुनिए मेरी बात, जैसे मैंने पे ही नहीं किया, नंबर भी बंद हो गया और बिल भी आता रहेगा, फिर भी बिल आता रहेगा। हाँ जी जैसे मैंने पे ही नहीं किया, मेरा नंबर भी बंद हो गया, फिर भी बिल आता रहेगा उसके बाद भी? सर, जब तक टेम्परेरी बंद है, इनकमिंग आ रही है, आउटगोइंग बंद है, तब तक बनेगा। जब इनकमिंग आउटगोइंग दोनों बंद होंगे फिर नहीं बनेगा, अच्छा, फिर नहीं है, ठीक फिर है, नहीं आएगा बिल, नो, मतलब सस्पेंड होने के बाद नहीं है सर। मतलब इनकमिंग, मतलब जैसे मैं बिल पे ना करूं, इनकमिंग फिर भी पहले टेम्परेरी बंद होगी, ओनली आउटगोइंग सर्विस, इनकमिंग आती रहेगी।
उसमें अच्छा कंपनी आपको टाइमलाइन देगी कितने वो टाइम में ये पेमेंट करनी चाहिए। मैं समझ गया आपकी बात। मेरी इनकम ही बंद होती है, जो बाकी के मेंबर्स हैं मतलब उनकी सभी ना, का बंद होगा सर, सभी का। नहीं उनकी भी तो इनकमिंग इनकमिंग तो मतलब उनकी रही रहेगी ना, एक्टिवेट रहेगी। हाँ जी अच्छा इनकम ही एक्टिवेट रहेगी मतलब बिल आता रहेगा। हाँ जी बहुत गलत है, आई एम कम्प्लीटली डिससेटिस्फाइड। जी अच्छा ये बताइए मेरे को, आप अगर एयरटेल तक अगर बात मैंने अपनी पहचानी पहुंचानी होगी तो सबसे अच्छा मेथड क्या है आगे, वन आगे? टू वन पे मेल कर सकते हो रजिस्टर्ड मेल आईडी से। अरे मैम क्या मेल करनी है, वो कोई रिप्लाई नहीं आता है। मैं तो ट्विटर हैंडलर पर मैसेज करता रहता हूँ, उनको डीएम करता रहता हूँ, रिप्लाई ही नहीं करते हैं। इतनी बड़ी होगी कंपनी क्या कुछ क्या मैम कि हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है, है? ये कस्टमर को मतलब इग्नोर करते हैं। इतनी बड़ी होगी मैम कंपनी एयरटेल। पता है मैं ट्विटर पर मैं कितने भी इनको डीएम्स करता रहता हूँ, मैसेज करता रहता हूँ, ईमेल भी करता रहता हूँ इनको, मैं रिप्लाई नहीं करते हैं मैम। हमारी प्रॉब्लम है कि आपकी जी प्रॉब्लम है ये बताओ आप। मैं इतना पुराना पुराना कस्टमर हूँ मैम एयरटेल का ना, पहले प्रीपेड में था मैं, इस साल मैं पोस्ट पेड में आया। ठीक है मुझे लगा अच्छा है यार पोस्ट पेड अच्छा है, लेकिन ये इस तरह से तो मैम मुझे बिल्कुल, मैं तो इसके मैं तो मैम देखिए मैं एक्चुअली मैम एक मैं आई एम यूट्यूबर, रिव्यूज करता रहता हूँ मैम मैं हर चीज की। जी आज तक मैंने मैम एयरटेल का ना मतलब पॉजिटिव रिव्यूज किए, मैंने वीडियो बनाए हैं, मैंने बहुत लोगों तक इसको पहुंचाया है जी मैंने, ठीक है ना। लेकिन मुझे अब मैं बहुत ज्यादा मतलब डिससेटिस्फेक्शन हुआ मैम मिला ऐसे मैम, जी तो बताइए ना क्या करना चाहिए। सर, मैंने ऑलरेडी डिटेल शेयर कर दी, अदर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपने मेल करना है, कोई भी अदर प्रोसीजर अप्लाई करना है वो आप कर सकते हो, बट जो डिटेल है वही शेयर किया गया है। ठीक है, अदर कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए आप, एक मैं तो चलो एक चलिए मैं तो एक ही कस्टमर हूँ एयरटेल का, ठीक है ना, मेरी बात तो नहीं सुनेंगे। अगर मैं 100 कस्टमर इकट्ठे करूँ अपने साथ, वो अगर हम सब मिलके अगर यही देखिए सर, वो आपका डिसीजन है, वो सेम नहीं मैं चेंज कर सकती हूँ। हाँ जी ठीक है, मेरे पास जो जानकारी है, अगर 100 कस्टमर होगा, अगर 10 होंगे, 1,000 होगा, जो मेरा काम है मैं उसके अकॉर्डिंगली नहीं जानकारी शेयर करूंगी। मैम आपको नहीं मैं बोला तो ना, मेरे सुन लीजिए। हाँ जी बिल्कुल, बट जो मेरे एंड से प्रोसीजर है वो नहीं चेंज हो सकता है। आप क्यों नहीं ठीक है, होगा ऐसे मुझे में पता है आप नहीं कर सकते, मुझे हाँ पता है जी आप तो नहीं कर पाओगे, मुझे पता है आप नहीं कर पाओगे, जी आपसे नहीं होगा, आपसे होगा भी नहीं ऐसा ही। अच्छा तो आपने जैसे बोला कि अपनी बात हमारे अपने फीडबैक को बहुत आगे ले आने के लिए सिर्फ ईमेल ही एक इम्पोर्टेंट है, ईमेल करनी इम्पोर्टेंट है। जी चलिए ठीक है मैं ईमेल करता हूँ फिर, क्या है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके।